महर्षि सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं। मन जब बहुर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख का अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता, क्रमशः आत्मा के बाहर जाता, पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकर लगती है, जबकि खुले स्थान की गर्मी सहन नहीं होती। एक जो सूर्य की तपिश में छाया छोड़कर भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है, अविवेकी है। एक विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उल्टा एक अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता है तथा दुख की अनुभूति करता रहता है, और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है तब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है।